बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साजिदा परवीन और मैं आपको आज एक ऐसी फ्रूट चाट बनाना बता रही हूँ जो कि बहुत ही ताकतवर है, और जो बच्चे चीज़ें नहीं खाते उनके लिए वो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी, वो शौक़ से खाएंगे। तो चलते हैं हम आज फ्रूट चाट बनाने की तरफ। जी, फ्रूट चाट के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सेब है, केले हैं, एक अनार है आधा किलो, और एक अंगूर है, बादाम है, और ये सफ़ेद तिल है, ये खोपरा है, मैंने इसको कद्दूकश किया है, चार मगज़ हैं, दो नींबू का रस है, दो टेबलस्पून शहद है, हाफ टी स्पून नमक है काले वाला, चाट मसाला है एक टीस्पून, और ये काली मिर्च है हाफ टी स्पून। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको अनार काटने का बताऊंगी कि इसके अंदर से जो दाने निकालने हैं वो किस तरह निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, मैंने इस तरह का इसको काटा है, इस तरह का नहीं काटा, और इसके अंदर से कैसे दाने निकलने हैं वो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला चम्मच ले लें, बड़े वाला, और आप हांडी वाला चम्मच भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर ये आप ये हल्का हल्का मारते जाएं और साथ साथ इसको घुमाते जाएं ऐसे ऐसे, और इसको आस्ता आस्ता इसके अंदर से ये देखो दाने निकलते जाएंगे आराम से, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखो, ये अंदर से सारा खाली हो गया, अब मैं दूसरा करूँगी। ये अनार के मैंने दाने बीच में से निकाले हैं, और आपको मैंने जो अनार दिखाया था वो मैंने आधा डाला है, और आधा किलो ये सेब है, और ये छह केले हैं, और ये एक पाव अंगूर है, ये मैंने शामिल कर लिए इसमें, एक चौथाई ये मैं काली मिर्च डालने लगी हूँ, ये हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी चाट मसाला, हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी काला नमक, और इसमें मैं एक टेबल स्पून शहद डालने लगी हूँ, आप दो भी डालने, दो डालने कोई मसला नहीं, हाफ टी ये एक नींबू का रस है, बड़े नींबू का रस है, एक ज़्यादा नहीं, ये बादाम डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नारियल है कद्दूकश किया हुआ, और ये चार मगज़ हैं, ये मैं वाइट तिल सफ़ेद तिल जो होते हैं ना नान के ऊपर लगे होते हैं वो डाल रही हूँ, और ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं सारी ड्राई फ्रूट डाले हैं, ये फ्रूट हैं इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा, ये जो बादाम है ये आँखों के लिए और दिमाग की ताकत के लिए होते हैं, और ये जो चार मगज़ हैं ये भी दिमाग की ताकत के लिए हैं, और जिस्म के अंदर जो अंतड़ियाँ हमारी उसकी खुश्की दूर करते हैं ये चार, और ये जो सफ़ेद तिल हैं ये भी इसमें बहुत विटामिन होते हैं, विटामिन डी इसमें शामिल है, और ये साबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी चाट है, बना के दिया करें बच्चों को, क्योंकि बच्चे अक्सर ये ऐसी चीज़ें नहीं खाते, ना बादाम खाते हैं ना ये फ्रूट खाते हैं, उनके आगे भी रख दो तो नहीं खाते, पीछे पीछे ही करते रहते हैं, तो इस तरह की आप ये चीज़ें बच्चों को बना के दिया करेंगे तो वो शौक़ से खाएंगे। ये लीमू और ये जो चाट मसाला मैंने इसलिए डाला है कि जो जो हमारी बच्ची है ना आजकल की वो भी नहीं कुछ खाती, और ये चटपटा हो गया,
कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है और चटपटा हो गया। बहुत मज़े की चाट बनी है, आप इसको ज़रूर बना के खाएं। मैं पानी आ गया देखते देखते, तो आप इसको ज़रूर खाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरा चैनल देखते हो और मेरे सब्सक्राइब भी काफ़ी हो गए हैं और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। माशाल्लाह से ये देखो हमारी आज की फ्रूट चाट बहुत ही मज़े की और बहुत ही प्यारी बनी है। और जो मैंने कुछ चीज़ें रख ली थी इसकी गार्निश के लिए, वो मैंने ऊपर डाल दी हैं, आप देख सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी है, बहुत मज़े की है, बहुत ताकतवर है। आप इसे ज़रूर खाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसी आपको लगी है। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।